सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसकी परिभाषा देखिए सबसे पहले तो। ठीक है, तत्पुरुष समास कहता है प्रायेण उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद यानी हम लोग जान चुके हैं कि पद दो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जो है तत्पुरुष समास यही भाव समास में प्रधान था, तो यहाँ पर उत्तर पद जो है वो किसमें प्रधान हो रहा है, तत्पुरुष समास के अंदर। ठीक है, आगे वाला सवाल में तो द्वितीय पद जहाँ पर भी प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद जहाँ पर प्रधान होता है, वह आपका तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास कहाँ से कहाँ तक होता है, मैंने इसको इसीलिए रोका था, ये दूसरा भेद है समास का, दूसरा भेद है, लेकिन हम लोग छह भेद पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरा भेद हमने छोड़ दिया था। आज हम दूसरा भेद समझ रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ा विशेष प्रकार से समझना पड़ता है। अब ये कहां से कहां तक होता है, तो जो है द्वितीय विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक। कहां से कहां तक, द्वितीय विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक जो है ये तत्पुरुष समास होता है। तो इससे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, तो इससे पहले अब हमको जानना पड़ेगा कि द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक कैसे चलती है, क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए इधर जो है वो शब्द रूप का पूरा प्रोफार्मा बना दिया है। अब मैं इसमें आपको अकारांत पुल्लिंग राम शब्द चलाना सिखाऊंगा, पहले ये समझिए, फिर हम जानेंगे तत्पुरुष समास को विस्तार से। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रथमा में कैसे बनता है। राम राम अपन ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको सरलता से याद हो जाएगा। राम राम रामेण रामाय, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामस्य रामे हे राम, हे राम। ये हे राम जो है ये संबोधन है, ये संबोधनात्मक चिन्ह हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बोलिए राम राम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, राम राम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, राम राम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब द्विवचन याद करते हैं, रामो राम रामो राम रामभ्याम रामभ्याम। अब इसी तीन प्रकार, तीन इसमें केवल तीन शब्द याद करना है, रामो रामाभ्याम और रामयो राम यो, और यहां पर भी सही हो जाएगा, और फिर हे रामो। ये संबोधन जो होता है हमेशा प्रथमा के समान ही चलता है, इसके समान प्रथमा के समान संबोधन चलता है। तो अब देखो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयो रामयो हे राम। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामो रामाभ्याम रामयो, रामो रामाभ्याम रामयो। दो 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 बार आपका रामो रामो आ जाएगा, तीन बार रामाभ्याम 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 आ जाएगा, दो बार फिर रामयो रामयो आ जाएगा, और संबोधन पुनः जो है प्रथमा एक प्रथमा विभक्ति के समान ही चलता है। अगले बार समझ में आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, राम 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 राम। शुद्ध रूप तो यही होता है कि प्रथमा विभक्ति को एकवचन द्विवचन बहुवचन में बोलो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या है कि शब्द रूप याद करने में बड़ी समस्या होती है, तो हमने इसकी एक ट्रिक बना दी इस प्रकार से, रामो 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 रामे रामाय रामात् रामस्य रामे राम, रामो
समझाता हूं। तो बच्चों कह अब हमको इसका पहला भेद पढ़ना होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष समास। अब इसमें एक सूत्र है, क्या सूत्र है तो वो समझिए। श्रीतः तीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्ने। श्रीतः तीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्ने। क्या है? श्रीतः तीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्ने। आप मेरे साथ इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको ये सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। कैसे बोलना है? श्रीतः तीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्ने। अब कह रहे हैं कि जहां पर भी श्रीतः अतीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त और आपन्ने ही शब्द सामासिक पद में पीछे की ओर आए, कहाँ आए? पीछे की ओर, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। वहां पर क्या, कौन सा समास होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अब देखो उदाहरण लेकर देखते हैं, उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कृष्णाश्रित, आपको बताया ये रामम मैंने उस समय उसमें लिखा था, इस रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। उसी के समान यहाँ पर बन जाएगा कृष्णम आश्रित आश्रित। और ये उदाहरण लेते हैं जैसे शरणागत, शरणागत। अब देखो इस शरणागत में श्रीतः अतीतः पतितः गतः गत आ गया, गतः आ गया शब्द। तो ये गतः आ रहा है इसमें कहां? बोले समासी पद में पीछे की ओर। तो इसमें शरणागत में कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। इसका क्या हो जाएगा? शरणम, शरणम। हाँ, लेकिन अब ये द्वितीय है इसलिए पहले वाले पद में द्वितीय विभक्ति लिखी थी, द्वितीय समास विग्रह के अंदर। शरणम आगतः। अब अगला देखो, जैसे जो है सुख प्राप्तः, सुख प्राप्तः, ठीक है, सुख प्राप्त। अब इस उदाहरण में
प्रत्यस्य प्राप्त आपन ने प्राप्त शब्द दिख रहा है मतलब प्राप्त शब्द जहां पर भी होगा सामासिक पद में वहां पर कौन सा समास होगा द्वितीय तत्पुरुष समास तो अब इसमें सुखम इसमें द्वितीय तत्पुरुष तो सुखम सुखम प्राप्तः ये समास वगैरह हो गया आगे बात समझ में चलिए और भी कुछ उदाहरण है वो मैं आप लोगों को बताता हूं अब देखिए बच्चों एक और उदाहरण है जैसे ग्राम लगा तो इसका क्या बन जाएगा सीता जिला जिला कथा ग्रामम 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 कथा ये से हो जाएगा गा या तो यहाँ हो जाएगा ग्रामम कथा अब गजा लह आरुणे ने अत्यस्त है उस पर विराजित ठीक है तो गजा आरुण में क्या हो जाएगा गजम आरुण गजम आरुण यानी गज पर बैठा हुआ गज पर बैठा हुआ आपको समझ में आ गई ये बात बहुत ही सरल हो गया इस सूत्र से कि सीता पिता पतिता गतः यस्य प्राप्त आपन्ने द्वितीया यहाँ पर पीछे बोल सकते हो द्वितीया ताकि आपको याद रहे सीता पिता पतिता गतः यस्य प्राप्त आपन्ने द्वितीया जैसे कृष्णा सीता सीता इत्यस्मिन् पदस्य कारणात् द्वितीय तत्पुरुष समास भवति आगे बात समझ में क्योंकि जहां पर भी सीता पिता पतिता गतः यस्य प्राप्त आपन्ने शब्द सामासिक पदों में पीछे की ओर दिखाई दे सामासिक पदों की बात हो रही है सामासिक पदों में पीछे की ओर दिखाई दे तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा चलिए बच्चों आपको द्वितीय तत्पुरुष समास अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा अब हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास आगे की कक्षा में पढ़ेंगे ठीक है तो आज हम लोगों ने शब्द रूप राम शब्द और साथ ही तत्पुरुष समास का परिचय और उसका पहला भेद द्वितीय तत्पुरुष समास समझा है इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा तृतीय तत्पुरुष समास हम लोग कल समझेंगे।